नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव अर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पालक्काड केरला। हम अर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक डेडिकेटेड कंपनी सेक्रेटरी कोचिंग सेंटर है। हम इधर सीएस एक्सिक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, सीएस एक्सिक्यूटिव एंड सीएस प्रोफेशनल का कोचिंग देता है, वो भी डेडिकेटेड कोचिंग। मतलब हम इधर और कोई कोर्सेस नहीं कर रहा है, बोला तो इधर सीए नहीं है, सीएमए नहीं है और बीकॉम नहीं, एमबीए नहीं और कोई कोर्स नहीं है। हम सिर्फ एंड सिर्फ सीएस का कोचिंग देता है, डेडिकेटेड कंपनी सेक्रेटरी कोचिंग सेंटर इन साउथ इंडिया। हम क्यों डेडिकेटेड कोचिंग देता है, क्योंकि हम बिलीव कर रहा है कि हमारा पूरा ताकत एक कंपनी सेक्रेटरी कोर्स सीखने वाला लोगों को पीछे होना चाहिए, उसको 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 सिखाने के लिए होना चाहिए, उसको जिताने के लिए होना चाहिए। आज मैं एक क्यों ये वीडियो कर रहा है, इसका मतलब ये जुलाई 10 तारीख को सीएस एक्सिक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, उसका रिजल्ट आज आया हुआ है। हाँ साहब, हर एक एग्जाम में दो तरह का लोग होता है, कोई लोग पास होता है, कोई लोग जीत हारता है। जीतने वाला लोगों को तारीफ करने के लिए बहुत लोग आता है, बट मैं बिलीव कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मोर देन 34 ईयर्स का एक्सपीरियंस, मैं बोल रहा हूं कि जीतने वालों से ज्यादा हारने वालों को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लोग कोशिश किया हुआ है, वो कोशिश में वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो लोग क्या करना, पीछे मुड़कर नहीं भागना चाहिए, वो आगे देखकर आगे आना चाहिए, क्योंकि वो लोग कोशिश किया हुआ लोग है। तो कोई तो वजह होगा वो फेल होने के लिए, वो वजह क्या है समझने के बाद उसको आगे आने के लिए उसको मदद करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी कोर्स एक ऐसा आसान कोर्स नहीं है कि एक रोड पे जाने वाला कोई भी लोग आ सकता है, पास कोर्स सीख सकता है, पास कर सकता है, जा सकता है, ऐसा नहीं है। इंडिया में सबसे अच्छा मैनेजमेंट कोर्सेस में एक ऐसा कोर्स है कि एक वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है कंपनी सेक्रेटरी। हां, एक अच्छा कोर्स होने की वजह से ही क्या, कोर्स बहुत टफ है। आप अभी कितना भी लोग ये वीडियो देख रहा है, शायद उसने सीएसईटी में फेल हो गया होगा, बट मैं बोलता हूं सर, आप फेल नहीं हुआ है, आप लोग फेल नहीं हुआ है, आप कोशिश किया हुआ है और कोशिश सक्सेसफुल नहीं हुआ है। बट आप कब फेल होगा, कब अपने कोशिश बंद करकर पीछे मुड़कर भागना शुरू करता है, तब आप फेलियर है। आप पीछे मुड़कर नहीं भाग रहा है, आप उसमें अपना आज क्यों फेल हो गया इसका कारण समझकर, इसका रीजन समझकर, वो रीजन को समझ कर उसको पार करने के लिए कोशिश करता ना सर, आप कभी भी आप हारने वाला नहीं होगा, आप जीतने वाला हो सकता है। हर एक बच्चा जिंदगी में जीतने के लिए कोर्स को चुना है, तो उसको जिताना हमारा काम होता है। हमारे जैसा लोग, मेरे जैसा बहुत लोग इस कोर्स को आप लोगों को सिखाता है। हम लोगों का यही फोकस होगा कि लाइक आप कितना भी लोग, आपका डिमोटिवेट हो गया, अभी देखिए बहुत लोग ऐसा है रोना शुरू हो गया, वो बोला कि लाइक मैं अभी देखो मैं सीएस में छोड़ने वाला हूं, अभी नहीं करूंगा सीएस, क्यों, मैंने फेल हो गया ना, मतलब क्या है, अब हारने लायक नहीं था, अब जीतने लायक नहीं था। ऐसा मत सोचिएगा, आप जीतने लायक था बट इसमें जीत नहीं पाया, तो अगले बार मैं कोशिश करके जीत कर वापस आऊंगा, ये सोचना चाहिए हमको, ये मन रखना चाहिए। अभी क्या, ये जुलाई को हो गया तो नवंबर में आने वाला है सीएस एक्सिक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, हम जिस नवंबर में एक अटेम्प्ट करूंगा। अभी ये सीएसईटी जुलाई में अटेम्प्ट किया हुआ लोगों में भी दो तरह का लोग है। एक ऐसा लोग है वो प्लस टू होने के बाद, 12वीं कक्षा होने के बाद तुरंत उसने सीएस एक्सिक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट में आया। कोई ऐसा भी लोग है कि लोग डिग्री होने के बाद भी, नहीं तो पीजी होने के बाद भी, वो लोग एक कोर्स में सीएस एक्सिक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट में आया, क्योंकि कब ये लोग रजिस्टर कर रहा था, हम लोग जुलाई के एंट्रेंस का रजिस्ट्रेशन ले रहा था, तब इंस्टीट्यूट का रूल ऐसा था कि कोई भी स्टूडेंट ये कोर्स पढ़ना सीखना चाहता है उसको सीएस एक्सिक्यूटिव एंट्रेंस लेना बहुत जरूरी था। बट आज सिचुएशन बदल गया, जून 21 तारीख को इंस्टीट्यूट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें बोल दिया कि अभी ग्रेजुएशन किया हुआ लोगों को सीएस एक्सिक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट करने का कुछ जरूरत नहीं है, उसको सीधा एक्सिक्यूटिव में जा सकता है।
अभी कितना भी लोग सीएस एग्जीक्यूटिव कोर्स फेल हो गया है उसमें कितना भी लोग ग्रेजुएट से, तो फॉरगेट इट ना, क्या टेंशन करने का है, सीधा जाओ एग्जीक्यूटिव करो, आपको अब कुछ खोया नहीं है। अभी 12वीं कक्ष पास होने वाला लोग, यानी तो 12वीं कक्ष अभी अभी अटेम्प्ट किया हुआ लोग, वो लोग भी एंट्रेंस लिखा है, अटेम्प्ट किया है, उसमें कोई लोग फेल हो गया है, क्या प्रॉब्लम है? कब आपका फ्रेंड्स घर में बैठा था, व्हाट्सएप देख रहा था, फेसबुक में खेल रहा था, इंस्टाग्राम में वीडियो डाल रहा था, तो आप क्या कर रहा था? आप सीख रहा था। आपका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, रिजल्ट आने के बाद ही आपको ग्रेजुएशन वगैरह कर सकता है। आप एक भी दिन खोया नहीं है अभी तक। कब आपका दोस्तों घर में बैठकर खेल रहा था, आप सीख रहा था। अभी नवंबर तक तो कोई कॉलेज खोलने वाला नहीं है, तो हमको हमने इसमें कुछ खोया नहीं है, वी हैव नॉट लॉस्ट एनीथिंग। हम नॉलेज पाने के लिए कोशिश किया है, सो यू आर बेटर देन द अदर्स, यू आर बेटर देन द अदर्स, बिलीव इट। हां, वो ऐसा सिचुएशन में आपको मैं फेलियर बोलूंगा, कब आपने ये बंद करकर नहीं, अभी पीछे मुड़कर भागना बहुत आसान है क्योंकि सीएस मेरा कोर्स नहीं है, ऐसा सोचकर पीछे मुड़कर भागने वाला लोगों को मैं क्या बोलूंगा? हरा हुआ लोग, हारने वाला लोग होता है ऐसा लोग, आपको जीतना बहुत मुश्किल होता है। बट कब एक बार हमने हार जाता है, उसमें हम सीखने के बाद उसमें क्या कारण से हमने हार गया वो इवैल्यूएट करकर एंड लर्न अ लेसन फ्रॉम द फेलियर, देन आगे आने के लिए कोशिश कीजिए। क्योंकि दुनिया में जितने दुनिया ये पूरा दुनिया जीतने वालों को याद करता है, हारने वालों को नहीं। एक बार हार गया, चलो ठीक है, मुझे हरा नहीं सकते आप, ये आदत आना चाहिए हमारा, ये हमारा सोच होना चाहिए, मुझे कोई हरा नहीं सकता है, मैं जीतूंगा, उसके लिए मैं क्या भी कर सकता है, ये सोच रखकर, ये ऐसा दिमाग में ऐसा कॉन्फिडेंस रखकर आपको ये सीएसईटी लड़ाई हमको लड़ना चाहिए, हमको जीतना चाहिए। कोई भी बच्चा ऐसा सोच रहा है कि मैं देखो मेरा 3 महीना गया, अननेसेसरी मैंने कोशिश किया, ये आपके लिए नहीं था, तो ऐसा हमने सोचना शुरू किया तो ये आपके लिए नहीं था। बट किसका अंदर ये ऐसा होता है ना सर, इसका अंदर एक दर्द होता है कि मुझे जीतना है, ऐसा सोचने वाला बच्चा है ना सर, एक बार हार गया तो भी कुछ नहीं करेगा, वो आगे आएगा, वो आगे आने के लिए कोशिश करेगा। मेरा कहने का मतलब यही है, ये सीएस आपका सपना है, ये सपना अचीव करने के लिए आप काम करने के लिए तैयार है। कभी कभी तो हम गिरेगा, हर एक बार हम गिरता है, तो एक बार गिरने के बाद भी इसमें हमको समझ सीखना चाहिए कि हमको सबक सीखना चाहिए, हमको लेसन सीखना चाहिए, उसमें से मोटिवेशन लेकर हमको आगे जाना चाहिए। क्योंकि सपना आपका है, साकार आपको करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जीतना ही पड़ेगा, जीतने के लिए सीखना पड़ेगा। अभी हमारे जैसा लोग भी बहुत बार हार गया है, ऐसा नहीं कि हमने कभी हारा नहीं है, गलत है, हम लोग भी बहुत बार हार गया है, बट कभी हमने पीछे मुड़कर भागने के लिए कोशिश नहीं किया, हम आगे ही जाने के लिए कोशिश किया, उसके वजह आज हम आपका सामने बैठकर बात कर रहा है। तो हार गया तो क्या, कुछ नहीं होने वाला है, हम जीतने वाला है, मैं जीतूंगा, जरूर जीतूंगा, ये सोच रखकर आगे जाइए। एंड कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के बारे में आपको कुछ भी आपको मदद चाहिए, हम जरूर करने के लिए तैयार हैं, बट हम हिंदी में क्लास नहीं ले रहा है अभी, हमको हिंदी में क्लास लेने के लिए स्ट्रेंथ नहीं है, हमको भाषा लैंग्वेज इज ओके, बट द प्रॉब्लम इज दैट वी आर जस्ट कैटरिंग द नीड्स ऑफ साउथ इंडिया, लाइक वी आर टीचिंग ओनली इन मलयालम। सो वेन एवर आई स्टार्ट हिंदी क्लासेस आई विल लेट यू नो, as of now आई डोंट हैव हिंदी क्लासेस, बट जरूर जरूर आपको कुछ भी तकलीफ है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर में ऊपर दिया हुआ है, स्क्रीन में दिया हुआ है, वो नंबर में आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूं, कुछ चिंता नहीं है। आप मेरा स्टूडेंट है और किसी का स्टूडेंट है, उसमें कुछ मतलब नहीं है, आप कंपनी सेक्रेटरी सीख रहा है, आईसीएसए का स्टूडेंट है, तो हमको सपोर्ट करने के लिए तैयार है।
है ना। तो कभी सोचना नहीं है अभी हारने जैसा, हारा हुआ आदमी जैसा आपको आपका चेहरा नहीं दिखना। कल सुबह एक नया लड़का, नया बच्चा होकर आपको उठना चाहिए, तो फिर सोचना चाहिए कि मुझे कैसे हमको सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट को पार करना चाहिए। अभी कोई भी ग्रेजुएट सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट में पास फेल हो गया है, चिंता मत कीजिए, सीधा जाइए 31 जुलाई के पहले रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्योंकि 31 जुलाई के पहले रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको क्या कर सकता है, दिसंबर में 4 पेपर अटेम्प्ट कर सकता है, 1 मॉड्यूल आपको अटेम्प्ट कर सकता है, सही है ना। सो बी ब्रेव इनफ, बी स्ट्रांग इनफ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए बाद में आपको देखना है तो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और इस वीडियो से किसी को भी बेनिफिट हो सकता है तो प्लीज फॉरवर्ड कीजिएगा। तो अगले वीडियो तक, मैं राजीव, थैंक यू वेरी मच।